टू माय यूट्यूब चैनल। सुबह के बज गए हैं 6:30, मेरी हो चुकी है पूजा और अब मैं जा रही हूँ किचन की ओर। ये हो गई मेरे सुबह की शुरुआत, बर्तनों का ढेर लगा हुआ, किचन साफ कर दिया। आज है संडे और आज बनेंगे हमारे घर में आलू के परांठे। मैंने आलू बॉईल करके रखे हैं और उसके बाद थोड़ा सा ये घर का काम वाम करके जाना है मार्केट की ओर। आज संडे भी है, सामान भी लेके आना पड़ता है और थोड़ा सा घूमना भी हो जाता है वीकली में, वीकेंड भी हो जाता है। और आलू के परांठे खाने के बाद देखते हैं, नहीं तो फिर अगर ज़्यादा धूप नहीं होगी तो फिर शाम को जाएंगे। 8 बज रहे हैं, इतनी जल्दी कोई नाश्ता करेगा नहीं। मैंने आलू छील के रख दिए हैं और मैं इनको ढक के रख देती हूँ क्योंकि अभी इनको कोई इतनी जल्दी कोई हमारे घर में खाएगा नहीं 9 बजे से पहले। अभी सब अपना अपना काम कर रहे हैं, तब तक मैं यहाँ पे लगा रही हूँ मशीन और ये धोऊंगी मैं अभी कपड़े। तो मैंने आलू के परांठे के लिए बना दिया मसाला तैयार। इसमें डाला मैंने हरा धनिया, हरी मिर्ची, जीरा, अदरक, थोड़ा सा गरम मसाला, मैगी मसाला। मैगी मसाला से अच्छा टेस्ट आता है और गरम मसाले मेरे पास वो सांभर पाउडर है नहीं, तो सांभर पाउडर से और ज़्यादा टेस्ट आता है इसमें। और बाकी अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको पसंद हो वो डाल सकते हैं। और ये बना रही मैंने चटनी और अब बनना जा रहा है इसकी डो। ये भरा मैंने मसाला और ये बनाने जा रही हूँ। हमारे थोड़े मोटे मोटे खाते हैं ना, बोलते हैं क्या फायदा वो पतले पतले से कोई भरे हुए परांठे हैं क्या, इसलिए अब ये बनाने जा रही हूँ मैं परांठा बस। सो गाइस, फाइनली बन चुका है मेरा आलू का परांठा विद चटनी और यम्मी सूप ऑफ नाश्ता, क्योंकि मैंने एक बैट पहले भी ले रखी है। बहुत अच्छा, सब तारीफ कर रहे हैं इसलिए मैं वही बात बोल रही हूँ, उनकी आवाज़ आने दे आपको। सो गाइस, हमारा तो हो चुका है नाश्ता और ये मेरा मैक्स सूखा भी हो गया। रोटी इसको चूर के देनी पड़ती है, खाता ही नहीं मोटे मोटे रोटी। और वो देखो मैक्स कैसे बैठा हुआ, ये देखो जरा मैक्स का स्टाइल कैसे बैठ रखा है। मैक्स मैक्स इट्टू बेबी बेबी इट्टू, देखो हम इसके नखरे देखना, जरा इसके नखरे देखना। हाँ, एक तो ये प्लेट में नहीं खाएगा, हाथ में खाएगा नहीं इस, क्योंकि ये सादी रोटी है ना, इसमें कुछ नहीं है तो नखरे हैं। अब इसमें इसके बिस्कुट चूर के देने या फिर मलाई या फिर कुछ ऐसे लगा के देना है। दे बेबी बेबी इट्टू बेबी बेबी इट्टू बेबी इट्टू बेबी इट्टू, हाँ खा ले रे, नहीं खाना दे ये ए स्टाइल देखो जरा इसकी, ऐसा है ना ये ज़मीन में पड़ा होगा ना तब खाएगा। इसको मैं इसके टिफ़िन में दूंगी ना तो नहीं खाएगा, इसको कटोरे में। और कुछ दिन से पड़ रखी है इसको ये आदत, अभी गर्मी हो गई है ना इनको बहुत, जर्मन शेफर्ड को गर्मी भी बहुत होती है ना, तो ठंडी के कारण शायद आलसी इतना है ना, उठाने जा रहा है, लेट लेट के खाना है भैंस को। देखो मैंने हाथ में दिया नहीं खाया, टिफ़िन में दिया नहीं खाया, उधर रखा है टिफ़िन में, उधर रख के आ गई। और मैंने ऐसे चूर के दिए उसको रोटी, तो ऐसे खा लेगा, दोबारा सफाई करने की आफत करता है। और आलसी नंबर वन मैक्स, ए मैक्सी सुनो छे के बोलो चुमिते को सुनो छे मैक्सो, ध्यान खाण पर लगे। आज संडे स्पेशल और मेरी मैक्स की नई नई, क्योंकि मैक्स का भी आज संडे वीकली होता है वीकेंड। ये देख जी मैक्स दादा ना रहे हैं, ऐसा देखा आपने कहीं कुत्ता जो पानी को देख के ना डर रहा हो, क्योंकि मैक्स तो गुड बॉय है ना।
है मैक्सी, हुज मैक्सू? मैक्सू इज अ गुड बॉय, मैक्सू इज अ गुड बॉय। इतने सारे बाल है ना इस पे। सिट बेबी सिट, थक गया वो अब। इन्हें पूछा तरफ बेचार, लोग बोलते हैं कुत्ते की पूछ सीधी नहीं होती है। देखो रॉन्ग, सब गलत है, कुछ भी हो सकता है भैया। आजकल कुत्ते की पूछ सीधी नहीं होती बोला। ये देखो मैक्स की पूछ देख लो जरा, मैक्सू पे लग गई ठंडी, मैक्सू पे लग गई ठंडी। वेते क्या था? बस वेते क्या? चलो बस वेते क्या यार, आप हार देखो, आप पता है मेरे बेचारे वाह हो गया। मैक्सू नैना फेंक गया बस जी। ए भरे मैक्स के लिए पानी क्या बारे खैर है कहते क्या बेटा? हफ्ता दिन हमने आना था आज। वाह भाई मैक्सी आज तो हो गई तेरी। जरा एक बार मुँह कर, एक बार मुँह कर कर जरे। अरे मुँह कर, ओ गोड़ देख यार फार। इसीलिए नहीं आ रही थी मैं उधर, सारा झपट्टा करता ना ये। अरे ना कवर अप हो गया बस जी। अब ऐसे अब बेबी नहीं है ये पट्टा, तो ही नहीं देर दिया होता। गुड गुड नहीं है ना तू, हो गया ना तीन नहीं, हो गया तीन नहीं नहीं दिखे दी। है गैस बोल, है गैस, है गैस। मैं ना चुका बोलना आज हफ्ता दिन में, गैस बोलना आज हफ्ते दिन में मेरे को भी ठंडे ठंडे पानी में नला दिया। नहाने के बाद मैक्स को चाहिए ट्रीट। क्या चाहिए रे, क्या चाहिए, क्या चाहिए, किसको देख रहा है मैक्स? हाथ लगा जरा, क्या चाहिए, क्या चाहिए, हाथ लगा, हाथ लगा, हाथ लगा। अच्छा ये चाहिए, क्या चाहिए, जरा हैंड लगाओ, चलो टच करो, टच। ओ गुड, हैंड, हाथ, हैंड टच। ओहो वेरी गुड, एक बार और, एक बार और हैंड टच, दोबारा टच करो, टच करो, नहीं हैंड लगा, हैंड टच, टच टच। ओहो थक गया, नाराज आ गए, नाराज ही आ गए। तो दोस्तों अभी मैं बाहर से आ रही हूँ गार्डन में पानी डाल के, 11 बजे यहाँ पानी चला जाता है, सुबह 5:30-6 बजे से आता है, इसलिए मुझे बाहर पानी डालना भी बहुत ज़रूरी था और बहुत धूप हो रखी है। पर उस बीच में मेरे लिए एक सरप्राइज़ आ गया, इसके अंदर क्या है वो दिखाती हूँ मैं आपको। जरा कमेंट्स करके बताना कि क्या है ये, मैं नहीं बताऊंगी अपने मुंह से। तो फाइनली मैंने, मेरे बेटे ने मेरे लिए ये ऑर्डर किया था और मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि देखो माँ बाप के पास कितना भी कुछ क्यों ना हो, अगर बच्चे अप्रिशिएट करते हैं, बच्चे आपका साथ देते हैं, बच्चे आपको गिफ्ट देते हैं, तो बहुत खुशी होती है। आई एम इमोशनल।
और ये देखो मैंने इसके अंदर ऐसे कैमरा फंसाया, ये मैं कहीं भी जाती हूँ मेरा हाथ हिलता था क्योंकि अभी हम लोगों को तो प्रैक्टिस है नहीं ना ये सब चीज़ करने की। तो ये देखो मैंने इसको ऐसे ऊपर करा, ये मैं कर रही हूँ ब्लॉगिंग क्योंकि मुझे दिक्कत हो रही थी। और ये ऑन ऑफ करने वाला इसका बटन है, ये निकल भी सकता है। और इसमें एक चीज़ और है, जैसे हमने कोई चीज़ ऐसे करनी है कि भाई हमारे साथ कोई है नहीं तो हमको वो करना है, इसमें एक फ़ोन को एक सामने इकट्ठा वो करना है तो आप इसको स्टैंड कर सकते हो। तो ये इसका स्टैंड, वैसे तो जो ब्लॉगिंग करते होंगे उनको तो पता है पर मेरे को तो नहीं पता था, इसलिए मेरे बेटे ने ऑर्डर किया तो इसलिए मेरे को तो आज ही पता चला है। मेरे पास एक ट्राईपॉड, पहले बच्चे पढ़ते थे तो वो रखे हैं ट्राईपॉड, बट वो टूट चुका था इसलिए इसने नया ऑर्डर किया। तो गाइज ये मैंने, मेरे को बहुत दिक्कत आ रही थी ब्लॉगिंग करने में, या जैसे कभी ऐसा होता था कि मुँह अच्छे से भी आता था, कभी बाली बाल आते थे, कभी आधा आधा आता था, इसलिए मैंने ये इसलिए ले लिया कि ताकि मेरे बेटा बोला मम्मी दूर से ऐसे अपना पूरा फेस दिखा सके, कौन तेरे साथ बार बार रहेगा, क्योंकि सब लोग बाहर रहते हैं, मैं अकेले रहती हूँ। मेरे साथ एक मेरा मैक्स रहता है, वो डॉगी है, वो रहता है, तो वो बेचारा थोड़ी सब चीज़ कर पाएगा। इसलिए मैं इसलिए आपको दिखाना चाह रही थी कि जो मेरे जैसे लोग हैं जो माने कैमरा को हैंडल नहीं कर सकते, क्योंकि हम पहले तो नए नए रहते हैं, हम कैमरा भी हैंडल नहीं कर सकते, तो कम से कम ये है कि मेरे ऐसे किसी को ढूंढना नहीं पड़ेगा कि अरे जरा एक क्लिप कर दो, अरे जरा एक क्लिप बना दो, ऐसे ढूंढना नहीं पड़ेगा आपको, ये आसानी से ऑनलाइन मिल जाता है, ऑफलाइन मिल जाता है, जैसे भी आपको परचेज करना है आप कर सकते हो। और इसको लीजिए और अपना ब्लॉग कीजिए। तो गैस गर्मी लग रही थी, धूप लग रही थी, बाहर से आई थी मैं, थोड़ा मार्केट से थोड़ा आटा वाटा ख़त्म हो रखा था, राशन वगैरह थोड़ी सी ख़त्म हो रखी थी, मैं मार्केट से आई थी और बहुत गर्मी लग गई थी। तो पति ने बोला चल वो बनाते हैं, कल पुदीना तोड़ रखा है, हमने ब्लॉग में देखा होगा, नहीं देखा होगा तो देखो। और मैडम ये मेरी बेटी है। तो दोस्तों आज है संडे और यहाँ और रखी है गर्मी, क्योंकि बाहर मौसम बहुत लू चल रही है, गर्म हो रखा है। तो मैं आज बनाने जा रही हूँ पुदीने की शिकंजी। तो देखिए सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, इसमें मैंने डाला एक कटोरी भर के पुदीना, एक चम्मच काला नमक, एक चम्मच जीरा पाउडर, ये डाला हनी एक चम्मच, ये डाला मैंने आधा नींबू का पीस, एक नींबू क्योंकि उस पर रस कम था इसलिए पूरा एक नींबू डाल देती हूँ। अब डाला इसमें एक चम्मच वाइट सॉल्ट, डालो इसमें बर्फ का पानी, ये आइस क्यूब है मैंने वो कर रखा है इसको, ये हुई आइस क्यूब। और अब हुआ ये ग्राइंड, मैंने ये छान दिया, ये बन गई हमारी गर्मियों की स्पेशल ड्रिंक। क्या बोलते हैं इसको आजकल, ये पार्टियों में चलता है, क्या बोलते हैं ऐसे मोइटो। लेट्स ट्राई, एक पति के लिए और एक मेरे लिए। तो गाइस लेट्स ट्राई मोइटो, वंडरफुल। तो गाइस जैसे आपको पता ही है कि अगर हमको पेट में अगर कोई भी एसिडिटी वगैरह हो जाती है तो लोग मार्केट से पुदीना हरा लेते हैं, तो अगर इससे अच्छा अगर कुछ डिश मिल जाए और हाइड्रेट भी रखता है बॉडी को, क्योंकि उसमें तो कुछ ना कुछ ऐसे भी केमिकल हो सकते हैं ना कि जो हमको पता नहीं है, कंपनी जो भी करती होगी, बट इसमें तो क्या है अपने गार्डन से तोड़ा बनाया और पिया, नुकसान तो नहीं हो सकता मेरे हिसाब से। तो आप भी अगर हो सके तो एक बार ट्राई ज़रूर करना, हमको तो अच्छा लगा। रास्ते में वो जलजीरे वाले रहते हैं ना, उनका देखा था मैंने, ऐसे मैंने एक दिन ट्राई करा। इससे मुझे एक बात भी याद आ गई, जब हम दिल्ली में रहते थे ना तो मुझे मैगी बनानी नहीं आती थी, चाउमीन बनानी नहीं आती थी, तो मैंने ऐसे वहाँ एक बाज़ार लगता है ना शुक्र बाज़ार, सोम बाज़ार, हर दिन का बाज़ार लगता है, तो मैंने हम रहते थे 2000 में शायद 99 2000 में दिल्ली में रहते थे, तो मुझे मेरे को मैगी बनानी बिल्कुल नहीं आती थी,
तो मैं ऐसे देख रही थी ले, मेरे कैचिंग पावर अच्छी है ना, मैंने वो देखा और मैंने मैगी बनानी सीखी और बहुत ही, मैंने बच्चे भी बोलते हैं और जो भी खाता है बोलते हैं अच्छी मैगी बनाती है। तो ऐसे ही मैंने एक दिन जलजीरे वाले को देखा और मैं वहाँ पे देखती रही कि क्या कर रहा है। मैंने वही चीज़ें अभी घर में ट्राई की और सच में बहुत अच्छा बना, मतलब उसने हनी नहीं डाला था। मैंने घर में हेल्थ के लिए, क्योंकि शुगर अब ज़्यादा शुगर भी ठीक नहीं होती, इसलिए थोड़ा मैंने हेल्थ और अच्छा हेल्थ के लिए हनी डाला, बस इतना ऐड किया। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।